हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा नोकिया फ़ोन है तो नोकिया फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन है तो ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने नोकिया फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन, फ़ोन की सेटिंग्स को भी ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेंगे फिर आपको क्लिक करना होगा, इसमें सर्च कर लेना ऑटो रोटेट स्क्रीन। तो लिखते ही हमारा जो ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन है वहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन करते ही हमारे पास एक कुछ ऑप्शन आ जाएगा, जो भी हमारा स्क्रीन का ऑप्शन है। तो यहाँ से भी आप ऑटो रोटेट स्क्रीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से इसको ऑन कर पाएंगे और ऑन करती जो भी आपकी फ़ोन की स्क्रीन है इसको आप रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में, और जो हमारा स्क्रीन है रोटेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको ऑफ करते हैं तो जो फ़ोन की स्क्रीन है उसको आप ऑफ करते ही फ़ोन की स्क्रीन रोटेट नहीं होगी क्योंकि हमने इसको ऑफ़ कर दिया। तो इस तरीके से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं ऑटो रोटेट स्क्रीन को। और साथ में अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता सर्चिंग सेटिंग में तो आप फ़ोन की डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाकर भी ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे फ़ोन के आइकन शो हो रहे हैं तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो फ़ोन की सेटिंग्स है इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो जो ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन है इसको आप कैसे ऑन ऑफ करेंगे, सिंपल आप स्लाइड करते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप इसको इस तरीके से ऑन कर सकते हैं ऑटो रोटेट स्क्रीन को। ऑन करके आप इसका यूज़ कर पाएंगे और अपनी फ़ोन की स्क्रीन को रोटेट भी कर सकते हैं, और ऑफ़ कर देंगे तो रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ऑटो रोटेट स्क्रीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने नोकिया फ़ोन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।